स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर है। 1550 वीए का साइन वेव इन्वर्टर है, E2 मॉडल। ये 24x7 मॉडल का इन्वर्टर है। को अब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसे चेक करते हैं। देखिए, हमने एक वोल्टमीटर इन्वर्टर की आउटपुट पर लगा रखा है। अब इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए, इसे ऑन करेंगे। देखिए, इन्वर्टर तो हमारा ऑन हो गया है बट ये आउटपुट नहीं निकल रहा है। ये देखिए, इन्वर्टर आउटपुट बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अब इसे चार्जिंग पर लगा के देखते हैं, मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं कि हमारा इन्वर्टर चार्जिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए, इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमने इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया। इन्वर्टर को हमने मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद इसने अभी तक मेन लाइन, देखिए मेन लाइन तो उसने सेंस कर ली है, आउटपुट अभी भी नहीं निकल रहा है। और आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखिए, फैन इसका कंटिन्यू चल रहा है मेन लाइन पर भी, और मेन लाइन से हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे तब भी इसका फैन कंटिन्यू चल रहा है। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, यानी और किसी तरह का कोई भी फंक्शन इसमें नहीं कर रहा, यानी साइड बिल्कुल डेड है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। इन्वर्टर डेड होता है तो सबसे पहले हमें उसके डीसी फ्यूज चेक करना चाहिए। ये देखिए, ये जो डीसी फ्यूज लगे हुए हैं बैटरी पर लगाए जाते हैं, हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है। यहाँ पर इन्वर्टर के इंडिकेटर वगैरह जो जल रहे हैं, स्विच का इंडिकेटर जल रहा है और फिर मेंस का और फिर यूपीएस मोड का इन्वर्टर जल रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर बैटरी करंट आ रहा है और ये फ्यूज बिल्कुल सही है। अब इसके आगे क्या फॉल्ट हो सकता है, हम वो चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो कभी भी इस तरह का फॉल्ट आए तो ये फॉल्ट 100% माइक्रो आईसी का होता है, यानी माइक्रो खराब हो जाती है तो ये फॉल्ट आता है और सेट हमारा बिल्कुल डेड हो जाता है। हम माइक्रो चेंज कर देंगे, फॉल्ट हमारा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि इसकी माइक्रो खराब क्यों हुई, क्या वजह रही इस चीज की और आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम एक मल्टीमीटर यूज करेंगे। मीटर को हम 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेंगे। तो इन्वर्टर को हम फिर से बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और अब हम मल्टीमीटर की निगेटिव वाली प्रोब जो है बैटरी के निगेटिव वाले पॉइंट पर लगा देंगे, जहां से बैटरी का वायर आया हुआ है इन्वर्टर में, वहां पर हम कनेक्ट कर देंगे। और जो पॉजिटिव वाली प्रोब है, हम माइक्रो आईसी की एक नंबर पिन पर इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये तकरीबन 7.5 वोल्ट के आसपास यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर मुश्किल से 5 वोल्ट पहुंचना चाहिए। अब यहां पर वोल्टेज ज्यादा पहुंचे हैं जिसकी वजह से ये हमारी माइक्रो खराब हुई है। अगर यहां पर ज्यादा वोल्टेज पहुंचते रहेंगे तो फिर माइक्रो हमारी खराब होना ही होना है। तो इसी वजह से इसकी माइक्रो खराब हुई है। अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर हाई वोल्टेज कैसे पहुंचे, इतने ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर क्यों पहुंचे और हम इसे कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए, पहले तो हम इस माइक्रो को निकाल देते हैं, इसकी जगह पर दूसरी माइक्रो लगाएंगे। लेकिन पहले आपको बता देंगे कि यहाँ पर वोल्टेज हम कैसे सेट करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर एक प्रीसेट दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रीसेट से ही यहाँ के माइक्रो के लिए वोल्टेज सेट होते हैं। अगर प्रीसेट हमारा खराब हो जाता है या फिर प्रीसेट गलत सेट हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। हम इस प्रीसेट को चेंज कर देंगे, लेकिन पहले आपको वोल्टेज सेट करके बताते हैं कि वोल्टेज आप कैसे सेट करेंगे। प्रीसेट को तो हम बाद में भी चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, इस प्रीसेट से हम यहाँ के वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसे 5 वोल्ट पर छोड़ देंगे। अगर इसमें 5 वोल्ट जाते रहते तो हमारी आईसी कभी खराब नहीं होती। अब हाई वोल्टेज जाने की वजह से ये आईसी हमारी खराब हुई है। अब इसे नई आईसी से हम चेंज कर देंगे, इस आईसी को हटा देंगे और फिर इसे चेक सेट को चेक करते हैं, आपको चला कर बताते हैं। इस आईसी पे हम मार्क कर देते हैं, ये आईसी हमारी खराब है। ठीक है, इसे हम मार्कर से हमने मार्क कर दिया। इस पर इसमें दूसरी आईसी लगाते हैं और फिर चेक करके आपको बताएंगे। आईसी हम निकाल देंगे, जो इसकी माइक्रो आईसी है इसे हम निकाल देंगे, इसे हमने रख दिया। अब इसकी जगह पर हम दूसरी आईसी लगा देंगे जो कि हमने इसी मॉडल के दूसरे सेट में से निकाली है। ये हम लगा देंगे, ये हम लगा देते हैं। ठीक है, अब इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे। इन्वर्टर को ऑन करते हैं, इन्वर्टर को ऑन करेंगे करते हैं। ये देखिए, स्विचेस का ऑन करेंगे। देखिए, इन्वर्टर ने हमारा आउटपुट निकालना शुरू कर दिया है जो अभी तक आउटपुट नहीं निकाल रहा था। आपको फिर से ऑन ऑफ करके बताते हैं। ऑफ और ये ऑन, कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं सर।
ये देखिए दोस्तों, इन्वर्टर ने हमारे मेन सेंस कर लिया है और ये चार्जिंग भी स्टार्ट होगी। आपको चार्जिंग भी दिखा देते हैं, आपको फ्रंट पैनल से दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक बार देखिए, इसे ऑफ करते हैं बैटरी मोड, इसे ऑन करके मेन लाइन मोड। ये देखिए, इसने मेन सेंस कर लिया है। ये देखिए, अब आपको फ्रंट से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैटरी मोड, अब इसे मेन लाइन से ऑन करेंगे। ये देखिए, मेन लाइन इसने सेंस कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।